How to set auto answer call setting in any Samsung M series. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तिकराज यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि आप जो है कैसे ऑटो आंसर कॉल सेटिंग सेट कर सकते हैं अपने सैमसंग के डिवाइस पे। तो अगर आपको ऑटो आंसर कॉल सेट करना नहीं आते हैं तो आज के इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखेगा। मैं आपको शो करके बताऊंगा कि कैसे आप जो है ऑटो आंसर कॉल सेटिंग सेट कर सकते हैं अपने डिवाइस में। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने फ़ोन डायलर को ओपन करें, जहाँ पे आप कॉल करते ठीक है फ़ोन सर्विस, उसमें जाके आपको थ्री डॉट्स ऊपर राइट हैंड साइड टॉप कॉर्नर पे देखना है, उसमें क्लिक करना है, सेटिंग पर जाना है। सेटिंग पर जाने के बाद दोस्तों आपको मिलेगा आंसरिंग एंड एंडिंग कॉल, तो आपको वहीं पर क्लिक करना है। वहीं पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको मिलेगा आंसर ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो आपको सेलेक्ट करना है आंसर ऑटोमेटिकली एंड आफ्टर डेट आप यहाँ पे क्लिक कीजिए ऑटो आंसर सेटिंग के ऊपर में। तो कितना देर आपको यहाँ पे सेट करना है, आफ्टर 2 सेकेंड यानी कि 2 सेकेंड के बाद फ़ोन अपने आप पिक हो जाएगा, आफ्टर 5 सेकेंड यानी कि 5 सेकेंड के बाद। अभी कस्टम भी कर सकते हैं, जो कि दोस्तों ये सेटिंग अच्छा लगा मुझे, तो आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों कुछ आप यहाँ पे सेटिंग सेट कर सकते हैं। तो अगर आपको ऑटो आंसर कॉल सेटिंग सेट करना है तो सिंपली आप इस सेटिंग को फॉलो कर सकते हैं। उम्मीद करते वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।